हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन बी पटेल। मैं पाइस बवासीर यानी हिमरॉइड्स का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, जनरल सर्जन हूँ। कभी कभी लाइफ मसे पाइस बवासीर यानी हिमरॉइड्स के साथ जीना कठिन हो जाता है, चैलेंज हो जाता है। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि डाइट से, दवाई से इसको खींचे। जब तक हम ऑपरेशन को डिले कर सकते तब तक हम कोशिश भी करते हैं। पाइस में जब भी प्रॉब्लम आता है या ट्रीटमेंट की बात होती है तब अक्सर हम ट्रीटमेंट लक्षण के करने की कोशिश करते, बीमारी की कोशिश नहीं करते। अगर हम लक्षण को कम कर सकते तो बीमारी जड़ से ना मिटे तो भी चलता है। लेकिन जब लक्षण बहुत ज़्यादा बन जाते, पेन के रूप में, स्वेलिंग के रूप में या ब्लीडिंग के रूप में, तो फिर वक्त आ जाता है सर्जरी का यानी ऑपरेशन का। ऑपरेशन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इंसान के लिए वो सर्जरी में समझता हूँ बड़ी रहती है। जब भी सर्जरी की बात करते हैं तो अक्सर सब मरीज एक जो कॉमन क्वेश्चन पूछता है, कॉमन सवाल जो हर एक के मन में रहता है, क्या ये ऑपरेशन सेफ है, क्या ऑपरेशन के बाद कोई तकलीफ तो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा डॉक्टर साहब, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस का जवाब एक बड़ा विस्तार से विश्लेषण करने के लिए आज हम ये वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको पाइल्स, बवासीर या हिमरॉइड्स की तकलीफ है और आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सके। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले कि यदि आप ये पाइल्स ऑपरेशन करवाते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी, अगर आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं या फिर क्या इसका आगे की ट्रीटमेंट कार्रवाई रहती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। यदि आपको पाइल्स, बवासीर या हिमरॉइड्स की तकलीफ है, मसे के प्रॉब्लम्स है, तो हमारे चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। दोस्तों, जब भी हम बात करते कि पाइल्स ऑपरेशन, तो जो प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो जनरली ये पाइल्स ऑपरेशन काफ़ी सेफ रहते हैं। अक्सर अधिकतम पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे हमने देखा है। और ये उतार चढ़ाव किसी को ज़्यादा रहता है, किसी को कम रहता है। यदि आपकी पाइस की साइज कम है या ग्रेड कम है तो ये उतार चढ़ाव कम रहते हैं। तो ये उतार चढ़ाव में कुछ प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो ऑपरेशन के बाद तुरंत आगे के 7 से 15 दिन में आ सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स है जो बाद में आ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग होगा कि नहीं? ऑपरेशन के बाद दर्द पूरा मिट जाएगा? ऑपरेशन के बाद कोई इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं? ऑपरेशन के बाद यूरिन अटकता है कि नहीं? ऑपरेशन के बाद वापस होगा कि नहीं? ऑपरेशन के बाद कंट्रोल लॉस होगा कि नहीं? क्या ये बगंदर में तब्दील हो सकता है? क्या दर्द जल्दी कम हो जाएगा या फिर लाइफ टाइम ये दर्द रहने वाला है? ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है जो मरीज के दिमाग में रहते हैं, और आज के वीडियो में हम ये सब क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम्स है ऑपरेशन पाइल्स सर्जरी के बाद के जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑपरेशन के बाद के प्रॉब्लम्स हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, विभाजन कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऑपरेशन के शुरुआत के 10-15 दिन में हो सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स ऑपरेशन के 1-2 महीने के बाद या लंबी अवधि पे जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऑपरेशन के बाद, ये दोनों अलग अलग तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि ऑपरेशन आपने करवाया तो पहले 10-15 दिन में जनरली कोई प्रॉब्लम्स आते नहीं है, लेकिन अगर आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ परसेंटेज या कुछ प्रतिशत लोगों में ये प्रॉब्लम्स दिखे जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो ऑपरेशन के 10-15 दिन के भीतर जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो है ब्लीडिंग। ऑपरेशन के बाद आपको हल्का सा ब्लीडिंग बहुत सारे लोगों को होता है, क्योंकि ऑपरेशन में जब पाइस बवासीर को काटा गया रहता है या जलाया रहता है या कोई खरोच हुई रहती, वो जगह से कभी कभी हल्का सा ब्लीडिंग आता है, जनरली अपने आप स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। किसी किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, पिचकारी जैसा ब्लीडिंग होता है, ऐसे 1-3% लोगों को हो सकता है, तो उनको वापस ऑपरेशन थिएटर में वो पॉइंट को जलाना पड़ता है या बांधना पड़ता है। तो ये हो गई ऑपरेशन के बाद पहला प्रॉब्लम जो है ब्लीडिंग की पॉइंट की बात हो गई। ऑपरेशन के बाद दर्द किसी किसी को ज़्यादा रहता है, खास करके पाइस की साइज जब बड़ी रहती है या फिर ग्रेड ज़्यादा हिमरॉइड्स के बड़े रहते हैं या फिर ऑपरेशन ओपन हिमरॉइडेक्टमी रहता है, तो उसमें जो रॉ एरिया क्रिएट होता है उसके कारण वो घाव की जगह पे आपको दर्द ज़्यादा हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट जनरली मेडिसिन रहती है, सीड्स बात रहता है, मलम रहता है, और जनरली जैसे जैसे घाव बढ़ता है वैसे वैसे दर्द कम हो जाता है अधिकतम पेशेंट्स को। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस कुछ मरीज को रहता है, अधिकतम लोगों को इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है
तो इसमें बुखार ऐसा कुछ अगर आता है या फिर कोई इन्फेक्शन पस दिखता है तो हम आपको एंटीबायोटिक थोड़े लंबे टाइम तक देते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम जो ऑपरेशन के बाद दिखता है कि कभी कभी यूरिन अटक सकता है। जी हाँ, यदि ऑपरेशन का दर्द ज़्यादा रहता है या फिर एज 50 प्लस है, खास करके पुरुषों में ये ऑपरेशन के बाद पेशाब अटकने के चांसेस थोड़े से रहते हैं, तो फिर वो ऐसे केसेस में पेशाब की जगह पे कैथेटर यानी नली डालनी रखती है और वो 1 से 4-5 दिन तक हम रखते हैं, डिपेंडिंग आपकी सिम्टम्स क्या है। तो ये हो गए ऑपरेशन के बाद तुरंत 10-15 दिन में जो प्रॉब्लम्स होने वाली की जो शिकायत रहती है उसके बारे में चर्चा। ऑपरेशन के बाद लंबे अवधि पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो लंबे अवधि पे प्रॉब्लम्स हो सकता है कि किसी किसी को थोड़ा सा दर्द लंबे टाइम तक रहता है, 1.5 महीना, 2 महीना, 3-4 महीना भी रहता है, खास करके जब पाइस की साइज ज़्यादा रहती है या फिर उनका जो स्पाजम रहता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, रिलीज हो रहे, रिलैक्स हो रहे, रिलीज हो रहे, और वो बहुत बार वो स्पाजमोटिक एनस बन जाता है, तो फिर दर्द थोड़ा सा रहता है। उसमें ट्रीटमेंट मेडिसिन रहती है और पेशेंट काउंसलिंग से धीरे धीरे ये दर्द जनरली अधिकतम लोगों को धीरे धीरे वापस इम्प्रूव हो जाता है। ऑपरेशन के बाद मलद्वार की जगह पे किसी किसी को टैग्स यानी स्किन के गट्ठे दिखते हैं। बहुत बार पेशेंट को ऐसा ही लगता है कि बवासीर में से रह गए, लेकिन वो स्किन टैग्स रहते हैं बहुत बार जो जनरली कोई तकलीफ नहीं देते। तो इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट मेंटल काउंसलिंग रहता है। अगर टैग्स है तो ये मसे नहीं रहते, ये ग्रोथ जो रहते हैं वो जनरली कोई परेशानी नहीं करते। थर्ड प्रॉब्लम जो ऑपरेशन के बाद लंबे अवधि पे जो हम डिस्कस कर रहे हो, रिकरेंस यानी वापस, क्या है पाइस मसे वापस हो सकते कि नहीं। यदि आपने ओपन एम्ब्रॉयडेक्टमी की है या लिगाशोर एम्ब्रॉयडेक्टमी की है तो वापस होने के चांस 3 से 4% रहते हैं। स्टेपलर सर्जरी में वापस होने के चांस तकरीबन 6 से 10% रहते हैं, तो जनरली ये चांस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी ज़ीरो नहीं रहते। यदि आपने लेज़र ऑपरेशन किया है तो लेज़र ऑपरेशन में बहुत बार बहुत सारे लोग मार्केटिंग करने के टाइम ज़ीरो रिकरेंस बताते हैं, लेकिन ज़ीरो रिकरेंस नहीं है। इनफैक्ट लेज़र सर्जरी में रिकरेंस रेट 20-40% कुछ कुछ स्टडीज़ में देखे गए। तो ऐसा नहीं है कि लेज़र में वापस नहीं होता है। लंबे अवधि पे एनल कैनल स्टीनोसिस यानी एरिया सिकुड़ सकता है, संडास का रास्ता, मलद्वार, खास करके जब पाइस की साइज़ बड़ी हो या फिर ज़्यादा रॉ एरिया क्रिएट किया हो, और कभी कभी स्टेपलर सर्जरी में भी कुछ प्रतिशत लोगों को एनल कैनल स्टीनोसिस यानी एरिया थोड़ा सा सिकुड़ सकता है, तो फिर आपको रिपीट या रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर एरिया का सिकुड़पन या स्टीनोसिस ज़्यादा हो तो पेट साफ नहीं हो रहा है, एरिया अटक गया है, तो फिर मल नीचे उतरेगा नहीं, तो फिर ये एरिया को खुला करना पड़ता है या फिर उसमें फ्लैप सर्जरीज भी आती है। कभी कभार रेयरली अगर लेज़र ऑपरेशन करवाया या फिर अनडिटेक्टेड फिशुला रह गया या कोई इन्फेक्शन हो गया, तो कभी कभी ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन खास करके लेज़र ऑपरेशन का अगर ज़्यादा एनर्जी डिलीवर किया है तो कभी कभी उधर फिशुला होने के आसार हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स की हो गई चर्चा। अभी ये प्रॉब्लम्स किसी किसी को कभी कभी कुछ कुछ हो सकते हैं, हर एक इंसान को ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम्स जनरली सेफली मैनेज किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स अगर कोई पूछता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स मैंने आपको विस्तार से बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो से आपको काफ़ी यूजफुल जानकारी मिली है। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर टाइप कीजिए। हमें अच्छा लगे, अगर हमारी कोई प्रशंसा करता है, अप्रिशिएट करता है, तो हमें एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए हमारी वेबसाइट की, जिसपे आपको और यूजफुल